कि 1857 के समर की क्या तात्कालिक परिस्थितियां रही होगी, क्या अनाचार की घोर आंधी छाई थी, अनाचार की घोर आंधी छाई थी, हवस की लपटे सतीत्व तक आई थी, दरिंदगी से यह धरती जल रही थी, वीरता की कोख में कायरता पल रही थी, मानवता का कत्ल हो रहा था, सत्य खून के आंसू रो रहा था, चारों ओर भीषण घमासान मचा था, ऐसे वक्त में बख्तावर ने एक इतिहास रचा था। चारों ओर भीषण घमासान मचा था, ऐसे वक्त में बख्तावर ने इतिहास रचा था। हौसले सलाखों में कैद नहीं होते, इरादे जंजीरों में जकड़े नहीं जाते, संकल्प कटते नहीं, विचार मिटते नहीं। खड़ा फांसी के तख्ते पर माँ का लाल, खड़ा 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 फांसी के तख्ते पर माँ का लाल, क्षण भर में निगल जाएगा क्या काल। जल्लाद फांसी देने को तैयार हुआ, तदक्षण एक देवीय चमत्कार हुआ, मौत को भी पसीना छूट गया, फांसी का फंदा टूट गया। मौत को भी पसीना छूट गया, फांसी का फंदा टूट गया, तो बोले राणा मां मुझको मिट जाने दे। बोले राणा माँ मुझको मिट जाने दे, छोड़ कर बलिदानी चिन्ह मिट जाने दे। आगे बढ़ शूर वीर ने जब मौत को गले से लगाया होगा, तो माँ हिल्या की नगरी में भी मातम छाया होगा। वाह वाह, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ शूर वीर ने जब मौत को गले से लगाया होगा, तो माहिल्या की नगरी में भी मातम छाया होगा। लिपटकर मातृभूमि से जब राणा सोया होगा, तब इस मालव माटी का कण कण रोया होगा। रोई होगी अमका झमका सपूत के चले जाने से, माँ नागेश्वरी फुफकारी होगी राणा के चले जाने से, यमराज को भी उस विराट मृत्यु का अफसोस रहा होगा, अरे महाकाल भी उस क्षण तांडव करने की सोच रहा होगा, सूरज का रथ भी पल भर को रुका होगा, केसरिया ध्वज बख्तावर की शहादत पर झुका होगा। वाह वाह वाह, जीते रहो जीते रहो। वाह।